आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नतीजे लोग कई रोगों जैसे मधुमेह, रक्तचाप आदि से पीड़ित हैं। ऐसे में लोगों को फिट रखने के लिए बीएमसी ने अब शिव योग केंद्र शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस केंद्र के लिए योग परीक्षकों की भर्ती के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। इसके लिए हर वार्ड का अलग से ईमेल आईडी जारी किया जाएगा। जून में उठ योग केंद्र शुरू करने का दावा बीएमसी ने किया है। बता दें कि इस वर्ष के वित्तीय बजट में मुंबई वासियों को स्वस्थ रखने के लिए बीएमसी द्वारा कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई थी। इस प्रमुख रूप से हिंदू हृदय सम्राट, बाला साहेब ठाकरे क्लिनिक और शिव योग केंद्र शामिल थे। इन योजनाओं को लागू करने की कवायद बीएमसी ने शुरू कर दी है। बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल योजना के कार्यान्वयन को खुद देख रहे हैं। जून के पहले सप्ताह में पहले 13 एचबीटी क्लिनिक, पहले 13 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्लिनिक शुरू करने की समय सीमा संबंधित विभागों को दी गई है। पब्लिक हॉल, बीएमसी और निजी स्कूल हॉल, मैरिज हॉल आदि में योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सत्र शुरू करने के लिए 30 लोगों का एक समूह बनाया जाएगा। बीएमसी के अनुसार ये 3 महीने का कोर्स होगा। हर महीने 20 सत्र होंगे। सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक योग परीक्षक केंद्र में उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक सत्र के लिए बीएमसी ₹1000 का भुगतान करने के लिए तैयार है। सत्र 2 घंटे यानी सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा। एक समर्पित ईमेल आईडी बनाया जाएगा और इसे परिचित किया जाएगा, जहां क्षेत्र के 30 लोगों का एक समूह शिव योग केंद्र के माध्यम से योग परीक्षण का लाभ उठाने में रुचि दिखाएगा। योगा के लिए बीएमसी सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करेगी। सामुदायिक स्तर पर परीक्षण प्रदान करने के लिए इंस्ट्रक्टर नामांकित योग संस्थान से जुड़ा हुआ होगा। इन ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर और बीएमसी के बीच एक MOU होगा, जो हर 6 महीने में रेन्यू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।